समस्त विश्व को एक रूप करने वाले गौरवशाली भारत में उत्तर प्रदेश की धरती धर्म ज्ञान तप ज्ञान और अमर बलिदान की भूमि ये धरती है काशी विश्वनाथ के महादेव की अयोध्या पति प्रभु श्री राम की और वृंदावन बिहारी प्रभु श्री कृष्ण की। श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्कृष्ट बन रहा है। संस्कृति और आध्यात्म की स्थली उत्तर प्रदेश की इसी पावन धरती पर जन्मे थे प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। जहां भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध न्याय और समता का शंखनाद किया, वहीं प्रभु श्री राम ने विश्व को मानवता, क्षमा, करुणा, दया और मर्यादा का पाठ पढ़ाया और न्याय आधारित आदर्श राज्य की स्थापना की। उत्तर प्रदेश को
जाए उत्तर प्रदेश रोजगार और निवेश बढ़ाने के इरादे से क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहा है। इस ग्लोबल समिट में देश के व्यवसायियों समेत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, डेनमार्क और यूनाइटेड अरब अमीरात सहित 30 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वर्तमान भारतवर्ष की आर्थिक उन्नति में 8 से 10% की भागीदारी करने वाला उत्तर प्रदेश 29 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक निवेश की उम्मीद की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के $5 ट्रिलियन इकॉनमी के लक्ष्य की दिशा में ऊपर चला है। इसी दिशा में यूपी का मिशन है $1 ट्रिलियन की इकॉनमी को छूने का। यशस्वी प्रधानमंत्री के कुल मार्गदर्शन पर चलता और उन्नति के गगनचुंबी शिखर की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बन गया। ये दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व, सुशासन, कानून और न्याय व्यवस्था का ही नतीजा है। विकास की राह थामे आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश की ओर भारतवर्ष ने समस्त विश्व ग्रोथ इंजन की तरह देख रहा है। आइए इस मौके पर इस उद्घोष से इस पूरे वातावरण को बुझा डाले वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ ये ओवर हो गया सर्वर तेरा।